अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम UET लाहौर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर जो है उसकी हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैब में इस वक्त मौजूद हैं। हमारी ये प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही है, और ये प्रोडक्ट पहले थोड़ा सा मैंने आपको एक वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, आज डिटेल से ज़्यादा देख लेते हैं। ये लाइट अरेस्टर है, इसका नाम हमारी कंपनी ने जो रखा है वो ER अरेस्टर 02 मॉडल है। ये स्टेनलेस स्टील, इसका जो ग्रेड होता है 304 उसमें बना हुआ है। प्रॉपर इसकी डिज़ाइनिंग है, ये पहले तो मैं आपको डिज़ाइन दिखा दूं। ये नीचे आपको इंसुलेटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये इसके साथ अटैचमेंट है जहाँ पे अर्थ वायर आके अटैच होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अर्थ वायर नीचे जाती है, और इस वक्त हमने एक टेम्प्रेरी पोल बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल इसका जो पोल होता है जो एक्चुअल इसके साथ लगना होता है उसकी हाइट आपकी साइट के मुताबिक होती है। इस वक्त सिर्फ हमने लैब के लिए पोल डिज़ाइन किया छोटा सा। अच्छा, यहाँ पर आके थिम्बल के साथ आपकी अर्थ वायर अटैच हो जाती है। ये इसका मेन सिलेंडर है, ये इसके साइड हैं, और ये इसकी मेन टिप है, ठीक है। तो अभी जो टेस्टिंग है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। पहले इसके मैं थोड़ा एक्चुअल बता दूं, ये इसका नाम है, ये आपको हमारी कंपनी की ब्रांडिंग नज़र आ जाएगी प्रॉपर इसके ऊपर। ये यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो नज़र आ जाएगा, और ये कंपनी की वेबसाइट भी आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पर। क्योंकि शाइनी सर्फिस है इसलिए थोड़ा सा शायद देखने में आपको मुश्किल हो रहा हो। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी इस वक्त टेस्टिंग कर रहे हैं लैब के अंदर। टेस्ट इक्विपमेंट थोड़ा सा मैं बता दूं, ये हाई वोल्टेज जनरेटर्स होते हैं, ये पीछे आपको जनरेटर नज़र आ रहा है, ये हाई वोल्टेज जनरेशन होती है। उसके बाद वहाँ से वायर के ज़रिए सारा ये हाई वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होते हैं, और फिर इसमें डिस्चार्ज करवाया जाता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आसमानी बिजली का डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज। मैं इस वक्त बनाते हुए वीडियो बनाते हुए इसको नहीं कैप्चर कर सकता, क्योंकि इसके लिए स्पेशल कैमरा सेटिंग करनी पड़ती है जहाँ पे वो जब डिस्चार्ज हो रहा हो वो इतने कम टाइम के लिए होता है, एक सेकंड के इतने छोटे हिस्से के लिए होता है कि वो आम कैमरे से कैप्चर हो नहीं सकता। लेकिन उस अलग से मैंने उसको कैप्चर किया हुआ है, तो मैं इस वीडियो के साथ उसकी अटैचमेंट कर दूंगा, तो आपको वो डिस्चार्ज होता हुआ भी नज़र आ जाएगा। तो हम इसको एक तो मेन डिस्चार्ज करवा के टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है, कितने कितने एंगल पे किस तरह से काम कर रहा है, कंडक्टिविटी कैसी है। दूसरा, उसके बाद इसका जो मेन इंसुलेटर है इसको हम अलग से टेस्ट करेंगे कि इसकी इंसुलेशन पावर कितने किलो वोल्ट तक है, कितने हज़ार वोल्ट तक ये इसको बियर कर सकता है, ताकि जो अर्थ वायर है वो सारा करंट अर्थ वायर के ज़रिए यहाँ से ही नीचे जाए। अगर ये इंसुलेटर वीक होगा तो कुछ करंट जो है इसमें से गुजर के भी अर्थ जा सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम अलग से टेस्ट कर लेंगे, और इसको हमने अलग से टेस्ट इस वक्त कर लिया हुआ, उसके मैं वीडियोस आपको अटैच कर दूंगा इसके साथ ही, जिसमें आपको स्पार्क होते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो मेनली ये है। इसके अलावा मैं इसकी वर्किंग की पूरी वीडियो अलग से भी बना दूंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसके साथ एसेसरीज़ क्या क्या होती हैं, इसकी बॉक्स पैकिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है। क्योंकि इस वक्त ये तो वैसे टेस्टिंग के लिए आया हुआ है, लेकिन इसके बॉक्स में और भी एसेसरीज़ होती हैं जो कि इंस्टॉलर के लिए जानना ज़रूरी है कि वो कैसे कैसे यूज़ करनी है। पोल की ऑप्शंस क्या क्या होती हैं, पोल अगर आपने ख़ुद बनाना है तो कैसे बनाएंगे, साइट पर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, इसकी हाइट हम कितनी रखें तो इसका जो प्रोटेक्शन रेडियस होता है वो कितना बड़ा होगा, उसकी सारी कैलकुलेशंस IEC स्टैंडर्ड के मुताबिक हुई हुई हैं, डाटा शीट मौजूद है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अभी मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ जिसमें एक टेस्टिंग का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि टेस्टिंग कैसे होती है, और मैं आपको प्रोडक्ट का मेन इंट्रोडक्शन शुरू में दे दूँ।